इस मॉड्यूल में हम क्लास एरिकनेडा के सेंसरी स्ट्रक्चर्स सेंसिला को डिस्कस करेंगे एरिकड्स की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेंसरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं कुछ इसमें से मकैनो रिसेप्टर्स हैं कुछ इसमें से कीमो रिसेप्टर्स हैं और कुछ इसके अंदर जो हैं मॉडिफिकेशंस हैं एक्सोस्केलेटन की वो किस किस शक्ल में हो सकती हैं वो हो सकती हैं प्रोजेक्शंस की शक्ल में पोर्स की शक्ल में स्लिट्स की शक्ल में सेंसरी और असेसरी सेल्स की शक्ल में तो कलेक्टिवली इन सब स्ट्रक्चर्स को या इन रिसेप्टर्स को हम नाम दे देते हैं सेंसिलक फॉर एग्ज़ाम्पल सीटें जो है अगर आप देखें मुख्तलिफ एनिमल्स के ऊपर सीटें जो हैं दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्यूटिकुलर मॉडिफिकेशन है दे मे बी सेट इन टू मेम्रेनियस सॉकेट्स फिर जो सीटें हैं नॉर्मली तो वो अपनी पोजीशन में रहेंगे लेकिन ये सीटें जो हैं दे कैन आल्सो बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन जब भी सीटें अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिसप्लेस होंगे तो वहाँ पर नर्व इम्पल्स जो है वो इनिशिएट होगी नर्व इम्पल्स जो है उसके साथ एसोसिएटेड नर्व सेल्स हैं ये सेल्स जो हैं नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करने का प्रोसेस करेंगे फिर वाइब्रेशन रिसेप्टर्स जो हैं दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एरेक्रिट कुछ स्पाइडर्स जो हैं फिर ये यूज करती हैं अपनी वेब्स को प्रे को कैप्चर करने के लिए फॉर एग्जांपल इनकी वेब जो है दिस विल डिटरमिन बोथ द साइज ऑफ द इंसेक्ट के कौन सा वेब में आएगा उसकी क्या पोजीशन होगी वेब के अंदर और उसकी वाइब्रेशन किस तरह से होंगी कि इंसेक्ट्स जो है वेब के अंदर अपने आप को एंटेंगल कर ले अब ये केमिकल सेंसेस जो हैं दे आर आल्सो कंपेरेबल टू द टेस्ट सेंस के साथ एंड विद द सेंस ऑफ स्मेल इन वर्टिब्रेट्स कुछ एक्सोस्केलेटन के स्मॉल पोर्स हैं दे आर एसोसिएटेड विद पेग लाइक या अदर मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सोस्केलेटन

दिस इज देंसरी स्ट्रक्चर सेंसीला इन केस ऑफ एरिक हेयर यू कैन से दिस इज़ द हाइपोडर्मस एंड दिस इज़ द आर्टिकुलर मेमब्रेन दैट इज कमिंग आउट ऑफ द हाइपोडर्मस एंड दिस आर द रिसेप्टर सेल्स एंड लाइट सेंसिटिव सेल्स नर्व फाइबर्स दे गो टू द ब्रेन एंड दिस इज द आई इट्स लेंस तो आई का डायरेक्ट ताल्लुक जो है Like other sensory structures, it is with the brain.